दोस्तों आज मैं आपको लेके आऊँ काजू के मैन्युफैक्चरिंग दिखाने, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में कह रहे थे कि काजू का मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, क्योंकि तमिलनाडु से ही पूरा इंडिया को सप्लाई होता है, यहाँ पे बहुत कम दाम में काजू बनता है। आप अपने घर के लिए 10 किलो या 5 किलो काजू भी यहाँ से मंगा सकते हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं काजू का, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ये वाला वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं क्लियर से बताने वाला हूँ कि ये लोग काजू को कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। चैनल में जो नया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, तभी आपको ऐसे मार्केट की दुनिया में लाते रहूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये काजू की कहानी शुरुआत होती है हमारे तमिलनाडु के अंदर बनरोटी से, जिसका नाम है बनरोटी। पुदुचेरी के पास में ही आता है ये, एक घंटे का रास्ता है पुदुचेरी से, आप तो जानते हो पुदुचेरी। तो यहाँ पे यार बनरोटी में बड़े बड़े काजू के खेत है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ से काजू पूरा बनता है, यहाँ पे बन के निकल के ही बाहर जाता है और ऑल इंडिया को यहाँ से सप्लाई होता है। यहाँ पे हर प्राइस में आपको हर वैरायटी में यार काजू मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये काजू का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे यार एक बात बता दूं, यहाँ पे बड़ा बड़ा काजू जो होता है ना, अफ्रीकन काजू, वो भी यहाँ पे बनता है यार। तो पहला प्रोसेस होता है झाड़ से निकल कर ये लोग लेके आ जाता है ऐसे बोरों में आ जाता है माल, इतना सारा माल आता है बोरों से उठाकर ये डाल देते हैं इसके अंदर, ये बेलर के अंदर रख के बहुत ही इसको कुछ करते हैं गर्म या कुछ करते हैं। उसके बाद इसको लेके चल जाते हैं कटिंग करने, देख सकते हैं ऐसा एक एक करके कटिंग करते हैं। सब मशीन भी आ चुके हैं कटिंग करने की, लेकिन ये पुराना मॉडल है जो कटिंग करते हैं लोग, पहले कटिंग कर लेते हैं पूरा इसको काजू को, उसके बाद ये क्या करते हैं सीधा लेके जाके रखते हैं हीट होने के लिए, ठीक है। तो अच्छा याद रखो, कटिंग के बाद हीट रखने स्टार्ट कर देते हैं, हीट थोड़ा देर रखने के बाद ये लेके चल जाते हैं काजू को कूलिंग करना। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले हीट किया बाद में कूलिंग किया, फिर बदला करते हैं, लेकिन कूलिंग का प्रोसेस चलता है यहाँ पे चलते रहता है। उसके बाद ये लेके जाते हैं लेडीजों के पास दे देते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे लेडीज बैठ के बनाते हैं काजू को, जो टुकड़ा होके आ जाता है छिलका अलग हो जाता है पहले से कटिंग मशीन के बाद। उसके बाद लेडीज के पास लेके आने के बाद लेडीज लोग क्या करते हैं इसको यार अच्छे तरह से छाटते हैं, मतलब कि बहुत सारे वैरायटी बनते हैं यहाँ पे, अलग अलग रेंज होता है, जैसे ज्यादा अच्छा काजू हुआ उसका एक अलग रेट होता है, तो कम हुआ उसका एक अलग रेट, ऐसा करके टुकड़े का अलग रेट, ऐसा करके एक लोग ऐसा छाटते हैं जैसे कि यार जैसे रेत को छानते हैं ना छन्नी से, वैसा यार एक एक करके ये लोग हाथों से छानते हैं लेडीज लोग, एक एक करके प्रोसेस चलते रहता है यहाँ पे लाके, अलग 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 करते रहते हैं पूरा। बहुत सारे लेडीज होते हैं एक एक फैक्ट्रीज में, बता रहा हूँ मैं फैक्ट्रीज की बात बता रहा हूँ, एक एक ग्रेड जो ए ग्रेड होता है बी ग्रेड सी ग्रेड ऐसा करके काजू को ये लोग छाटते रहते हैं। छाटने एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, अगर आप अपने घर के लिए रिटेल में चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होलसेल करते हैं रिटेल के लिए नहीं देते, ये रिटेल के लिए अब 5 किलो 10 किलो जरूर आपको काजू ऑल इंडिया कहीं पे भी सप्लाई कर देंगे। और इनके पास अच्छा लगा कि ये डैमेज ना हो इसलिए एक बॉक्स का सिस्टम रखे, बहुत अच्छा है देखने में, देखो बॉक्स में 5 किलो 10 किलो आपको करके पूरा इंडिया सप्लाई कर देंगे, तो फिक्र ना करें आपको आराम से बॉक्स में भी 10 किलो या 5 किलो आ जाएगा। या आप काजू का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इनसे डीलिंग कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, ऐसा करके ये काजू बनकर बाहर निकल के आता है, और ये देखिए ये ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड 4 ग्रेड, यार बहुत सारे ग्रेड है इनके पास, ऐसे एक एक करके अलग अलग करके रखते हैं। इससे आपको क्लियर से हो जाएगा कि कौन सा आपको बेचना है कौन सा नहीं बेचना है, कौन सा कम रेट का है कौन सा ज्यादा रेट का है, सब पता चल जाएगा आपको। दोस्तों जिसको भी ये काजू चाहिए या बिजनेस करना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से मैं नेक्स्ट बार इस कंपनी को जाऊंगा और डायरेक्टली वीडियो बना के इनका नंबर सब कुछ मैं शेयर करूंगा, एड्रेस सब कुछ ऑल इंडिया सप्लाई हो जाएगा आपको। ये ओनली इन्फॉर्मेशन वीडियो की, काजू कैसा बनता है कहाँ पे मिलता है सब ये इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। आने वाले कल मैं बड़ी वीडियो फैक्ट्रीज में डायरेक्ट जाकर बनाऊंगा, और भी आपको क्या क्या मार्केट चाहिए, तमिलनाडु बहुत सारे मार्केट है, आप खाली ड्रेस का बोलते हो तो मैं सरप्लस का बनाते रहता हूँ, और भी बहुत सारा तेल का है, केरला में चिप्स का है और चापत्ती का है, इसमें ऊटी में सब कुछ मैं एक एक करके बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।